हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन पूरा कर लिया है, उसको आप आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन से कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, फिर अपन जब इसका डायग्राम और शेड्यूल बनाएंगे तब आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन ओनली वन प्रोडक्शन एलिमेंट अलाउड टू इंक्रीज कीपिंग ऑल अदर एलिमेंट्स कॉन्स्टेंट द प्रोडक्शन फर्स्टली इंक्रीज देन द आउटपुट विल डिक्रीजेस एंड फाइनली देयर विल बी अ नेगेटिव प्रोडक्शन। ये क्या कह रहा है कि जैसे अगर अपन कोई प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है और फिर एक टाइम पे आके वो नेगेटिव चला जाता है। जैसे ये लाइन है जीरो, ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है टॉप पे गया, फिर डिक्रीज होने लगा और डिक्रीज होने के बाद ऐसे नेगेटिव चला जाता है। इसको अपन डायग्राम में देखेंगे जब आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। इसको और क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, ये सब क्या क्या इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे कुछ अजम्पशंस भी होते हैं जो अपन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मान के चलने पड़ते हैं, ठीक है। तो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी अपने पास टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, मतलब जो वेरिएबल्स फैक्टर है, अपन ने कल देखा था फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप आई कार्ट में चेकआउट कर सकते हैं, उसकी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, वो जो होंगे जैसे जैसे अगर अपन उनको बढ़ाएंगे तो वो क्या होंगे, इक्वली एफिशिएंट होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी अगर 100 का प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा कर रहा होगा 10 का, ऐसा नहीं होगा। तो अगर एक आदमी 100 का कर रहा है तो दूसरा भी 100 का ही करेगा, ना कम ना ज्यादा, क्या होगा, इक्वली एफिशिएंट होंगे वो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन इजीली डिटरमाइन। ये क्या कहना चाह रहा है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट, मतलब आउटपुट में जो भी चेंज हो रहा है किसके कारण, वेरिएबल फैक्टर्स के कारण, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उस चेंज को अपन देख सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपन को पता चल जाएगा कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। थ्योरी रिलेटेड टू शॉर्ट रन, मतलब ये क्या थ्योरी क्या है, शॉर्ट रन से रिलेटेड है। अपन ने कल दो चीज़ देखी थी, प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। तो ये जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, शॉर्ट रन से रिलेटेड है, ठीक है। दिस लॉ अप्लाइज ऑन फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये किस पे अप्लाई होती है, प्रोडक्शन फील्ड पे अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रही है तो उस चीज़ को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं करी तो उसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के और एक शेड्यूल बना करके बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल यानी टेबल, शेड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसा अपन ने कल शेड्यूल बनाया था सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सबसे पहले अपन लेंगे फिक्स्ड फैक्टर, अपन ने क्या देखा था, एक फैक्टर शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है। सेकंड लेते हैं वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। फिर लेते हैं अपन टोटल प्रोडक्ट, फिर अपन लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट, फिर लेते हैं अपन मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये बन गई अपनी टेबल, कलर चेंज करता हूं। फिक्स्ड फैक्टर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वन है तो अपन वन ही रहेंगे, वन वन वन,
वन वन और वन, ठीक है, सारे फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं है इसमें। वेरिएबल फैक्टर में चेंज आता है तो अपन क्या कैसे ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर कर लेते हैं इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब टोटल प्रोडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले हो रहा है 10, फिर होगा 30, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 48, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक टाइम पे कम होने लग जाता है। अब एवरेज प्रोडक्ट कैसा होता है, अपन ने कल इसका फॉर्मूला देखा था, एवरेज प्रोडक्ट का क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये क्या हो जाता है, एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 12.5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। एमपी कैसे होगा, चेंज देखते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं अपन, टी पी एन माइनस माइनस टी पी एन माइनस 1, ये एमपी का हो जाता है, क्या आएगा यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 5, फिर 0 और माइनस 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कैसे वर्क करता है अपन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये एक फील्ड है, फील्ड यानी एक खेत है ये, ठीक है। अब कोई पर्सन है, वो यहाँ पे एक आदमी है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है तो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो ये ऐसे इतना सारा कर रहा है, मतलब इस जगह पे वो प्रोडक्शन कर पा रहा है, सिंगल आदमी है कितना करेगा, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, मान लेते हैं अपन टेबल के हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि अरे यार मैं 10 प्रोडक्शन ही कर पा रहा हूँ, थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेरे को प्रोडक्शन, तो वो क्या करता है, एक वर्कर लाता है, ठीक है, और उस वर्कर को भी काम पे लगाता है, और जैसे ही वो उस वर्कर को काम पे लगाता है तो क्या होता है, ड्रास्टिकली चेंज आता है, मतलब एकदम से बहुत अच्छा चेंज आता है। तो क्या हो जाता है, जहाँ पे वो नहीं कर पा रहा था वो वहाँ पे भी प्रोडक्शन करने लग जाता है ये, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि अकेला आदमी कितना काम कर सकता है, पूरा काम नहीं कर सकता, तो वो इतना प्रोडक्शन करने लग जाते हैं दोनों मिल करके, क्योंकि कंपटीशन की भावना रहती है ना कि हाँ तू इतना कर रहा है मैं इतना कर रहा हूँ, तो दोनों अच्छे से करने लग जाएंगे। फिर जैसे ही उसने थर्ड लगाया तो जहाँ जहाँ और छूट रहा था वहाँ वहाँ पर भी क्या हुआ, प्रोडक्शन होने लग गया, जैसे यहाँ पे इस जगह ये जो जगह है जहाँ जहाँ कम हो रहा था वहाँ पर भी होने लग गया, बाकी क्या हुआ उतना नहीं हुआ जितना दो मिलके कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो धीरे से कम होगा ना, मतलब एक फिक्स फैक्टर क्या है, यहाँ पे लैंड है, लैंड क्या है फिक्स फैक्टर है, तो लैंड की भी एक कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्शन बढ़ा बाकी उस रेट से नहीं बढ़ा जितना पहले पर्सन को लगाने पे बढ़ा था। फिर जैसे ही अपन ने फोर्थ पर्सन लगाया क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ा, थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ा, ठीक है, ये प्रोडक्शन बढ़ गया। अब क्या हुआ फिफ्थ, उसने कहा कि अरे यार और लगाता हूँ देखते कितना मिलता है। अब जैसे ही उसने फिफ्थ लगाया तो उसको क्या हुआ, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक लैंड की कैपेसिटी होती है ना, वो लैंड की कैपेसिटी क्या हो गई, बराबर हो गई, एक उसके पीक तक पहुंच गई, अब उसके बाद लैंड प्रोडक्शन ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसने देखा कि अरे यार बराबर पहुंच गई है, क्या पता एक और लगा के देखता हूँ क्या होता है। अब उसने जैसे ही एक और लगाया, वेरिएबल फैक्टर लगाया, तो क्या हुआ, ये जो काम कर रहे थे ना वो काम करना भी बंद कर दिया, और क्या हुआ टोटल प्रोडक्शन गिर गया, क्यों, क्योंकि वो लोग बातें करने लग गए, काम में ध्यान नहीं देने लग गए, वो सोच रहा था मैं सीनियर हूँ मैं क्यों काम करूँ, बातें करते हैं चलो काम तो हो जाएगा, ऐसे करके वो क्या आलस करके बैठ जाते हैं, तब क्या होता है टोटल प्रोडक्शन गिर जाता है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन गिर गया, तो ये ऐसे चलता है जिससे टोटल प्रोडक्शन एक टाइम पे तो धीरे 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 स्पीड में बढ़ता है, फिर बढ़ता है बाकी उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से शुरू में बढ़ा था, फिर लास्ट में आके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अपन ने देख लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन इसका ग्राफ बनाए कैसा बनेगा, नेक्स्ट वे एक बार आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं कैसे बनता है।
यहाँ पे लेंगे टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे लेंगे एपी और एमपी, ठीक है, यहाँ पे लेंगे यूनिट्स, यहाँ पे लेंगे यूनिट्स, ठीक है। अपने देखा है कि जो ऊपर ग्राफ बनता है और अगर जस्ट उसके नीचे बनता है जो एक्सेस सेम है ना, पैरेलल है, वो क्या होगी, दोनों सेम होगी। अगर ऊपर यूनिट्स है तो नीचे भी क्या है, यूनिट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस ग्राफ में। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता है, फिर थोड़ा धीरे बढ़ता है, फिर एक टाइम पे टॉप पे पहुंच के और डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व बन गया। अब क्या होता है, ये तीन फेज में डिवाइड होता है, ठीक है, एक फेज जहाँ पे ये बढ़ रहा था स्पीड में, ठीक है, फिर एक फेज वहाँ पे जहाँ पे ये टॉप पे पहुँच जाता है, ठीक है, फिर एक फेज जहाँ पे गिरने लग जाता है। तो इस फेज को ये अगर अपन नीचे लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो इसी के देख के बनेगा, है ना। तो अब क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कलर चेंज करता हूँ मैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, टॉप पे पहुँचता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इस पॉइंट पे जीरो हो जाता है और फिर उसके बाद माइनस में पहुँच जाता है, ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट का मैं बनाता हूँ, किससे बनाऊँ, लाइट ग्रीन से बना देता हूँ। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है, पीक पे पहुँचता है, अब डिक्रीज होने लग जाता है, ये एवरेज प्रोडक्ट, ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। अब तीन फेज हो गई, ये तीन फेज में बढ़ता है, ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और ये थर्ड फेज, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, फिर थोड़ा कम, फिर कम, फिर एक पॉइंट पे यहाँ पे टॉप पे पहुँचा, टॉप पे रुका और फिर गिरा, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे टॉप पे पहुँचा, थोड़ी देर रुका और फिर गिर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 10, फिर 15, फिर 15, 12.5, 10 और 8, माइनस में नहीं किया, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, देखो, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, माइनस में नहीं गया, ठीक है, एक पॉइंट पर आके पहुंचा और फिर गिरने लग गया। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, एक टाइम पे एपी और एमपी बराबर है, ठीक है, फिर एपी कम हो गया और एमपी ज़्यादा रह गया, इस पॉइंट पे देखो एमपी ज़्यादा है एपी से, फिर 15-15 पे, मतलब जब एपी टॉप पे था तब इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, यहाँ पे टॉप पे आया ये, एमपी ने काटा, नीचे चला गया, फिर एपी बढ़ गया, दिख रहा है, एपी बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये एमपी माइनस में चला गया, यहाँ पे एमपी माइनस में चला गया, ठीक है। बिल्कुल सेम अपन ने कैसे बनाया, जैसे कि अपन ने टेबल बनाया वैसा का वैसा ही अपन ने ग्राफ बनाया। एक टाइम पे जब मार्जिनल पीक पे पहुँचता है तब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन उसके स्पीड में बढ़ रहा होता है, और फिर जैसे ही वो धीरे धीरे स्लो रेट से बढ़ रहा होता है वैसे क्या हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाता है और एवरेज प्रोडक्शन टॉप पे पहुंच के थोड़ा थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही टोटल प्रोडक्ट इसके पीक पे पहुंचा, ये यहाँ पे जैसे इसका पीक था, पीक पे पहुंचा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट किस पे पहुंच गया, जीरो पे पहुंच गया। देखो ये 50 पीक था इसका, एवरेज प्रोडक्ट 10 और मार्जिनल प्रोडक्ट किस पे, जीरो पे, पीक 50, ये जीरो, यहाँ पे 48 और यहाँ पे -2, यहाँ पे गिरने लगा 48 पे और ये माइनस पे चला गया, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब कितने स्टेजेस है, अपन ने देख लिया तीन स्टेजेस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये था और ये था, एक बार शॉर्ट में बना देता हूँ, ये
दो और ये टीपी, ठीक है। क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इन द क्विकर रेट, इस जगह क्विकर स्पीड में बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ ईच वेरिएबल गोज अप, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जैसे एक एक वेरिएबल बढ़ाते जा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है, देखो। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट अ लोअर रेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाकी उस रेट में नहीं बढ़ रहा है, दिख रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोअर रेट। वाइल द मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल विद द इंक्रीजिंग इन द वेरिएबल फैक्टर, और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे अपन वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे हैं और लगा रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड स्टेज, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, इसमें क्या हो रहा है, जैसे टीपी डिक्लाइन हो रहा है, जैसे यहाँ पे टॉप पे पहुंचा, फिर जैसे टीपी डिक्लाइन हुआ नीचे गया, विद द एडिशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर व्हाइल एमपी बिकम नेगेटिव, जैसे अपन वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टीपी नीचे जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैसे क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट किसमें चला गया, माइनस में चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी बांट सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ठीक है, और ये चीज क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर, ये इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया, यहाँ पे देखो 10 से 20 स्पीड में बढ़ रहा है, फिर 20 से 15 हो गया, बढ़ रहा है बाकी उस रेट में नहीं बढ़ रहा, डिक्रीज हो गया ये, फिर 15 से 5 हो गया, फिर 0 हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, फिर यहाँ पे माइनस में हो गया, तो मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब कुछ कोई रीजंस होते हैं जो अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे, एक बार वापस कर लेते हैं, क्या होते हैं रीजंस फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है फिर पॉइंट पे पहुंच रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये होने के कौन कौन से रीजंस हैं, ठीक है। अपन रीजंस को तीन भागों में बांट देंगे, इंक्रीज होने वाला, फिर डिमिनिशिंग धीरे धीरे डिक्रीज होने वाला, और फिर नेगेटिव होने वाला, इन तीन में अपन बांट देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, बेटर यूज ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब इसमें क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूज हो रहा है, जैसे ये लैंड था, ठीक है, इसका बेटर यूज हो रहा था, ठीक है, जैसे जैसे एक एक लगाया इसका बेटर यूज हो रहा था, अच्छा यूज हो रहा था, ठीक है। अब सेकंड क्या हो रहा है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो मतलब जैसे ही उसने फर्स्ट में वेरिएबल फैक्टर लगाए, मतलब एक और पर्सन बढ़ाया प्रोडक्शन के लिए, तो क्या हुआ कि उसका प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ा और दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया, तो ये क्या है, एफिशिएंसी बढ़ी, किसकी, वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ी, ठीक है। अब इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, इसमें क्या है कि मतलब ये दो फैक्टर्स हैं, एक है लैंड और एक है लेबर, ठीक है, ये जो फैक्टर्स है ये इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, इनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते। अगर जैसे ये लैंड है, अगर अपन इसको ऐसे छोड़ दें और लेबर्स को इधर रख दें कि वो लेबर कोई काम नहीं करेगा, लैंड अलग ही रहेगी, ठीक है, तो क्या प्रोडक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक कोई प्रोडक्शन होगा नहीं, तो इसलिए क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब फिक्स फैक्टर जो है उनको अपन डिविजिबल नहीं कर सकते लेबर वगैरह से, वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है। अब रीजंस फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिल रहा है अपन को, मतलब टोटल प्रोडक्शन धीरे 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 कम रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और ये लेबर है,
तो अपन क्या कर रहे हैं, लेबर ही लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, अपन लेबर बढ़ा रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं, बाकी लैंड तो फिक्स है ना, अपन उस पर कितना प्रोडक्शन कर देंगे, अगर उसकी कैपेसिटी अगर एक टन की है तो वो एक टन से ज़्यादा प्रोडक्शन दे ही नहीं सकती, मानते हैं अपन, ठीक है। अगर अपन उस पर 100 लगा दें वर्कर, 500 लगा दें, 1000 लगा दें, तो भी वो अगर एक टन देगी तो एक ही टन देगी, बाकी बढ़ाने से क्या होगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि लोग कामचोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कि मतलब अपन को क्या बढ़ाना चाहिए, वेरिएबल फैक्टर की जगह फिक्स फैक्टर बढ़ाने चाहिए, मतलब लैंड बढ़ानी चाहिए इन कंपेयर टू किसके, लेबर्स के, ठीक है, बाकी ऐसा अपन नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या पहुंच रहे हैं अपन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे पहुंच रहे हैं, मतलब ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी एक टाइम पे अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसे पीक पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है, इससे ज़्यादा चांस ही नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, तब अपन को क्या मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्यों मिल रहा है, लिमिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि अपन ने देखा है कि अपना जो फिक्स फैक्टर है, मतलब जो अपना लैंड है, वो क्या है, लिमिटेड है, अपन उस पर नहीं बढ़ा सकते इस वजह से। फिर सेकंड क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है अच्छा सा, फिक्स फैक्टर है मतलब लैंड है, उसकी जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो है उसकी, अब वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या है, थोड़े बहुत कामचोर हो गए, ठीक है, अब वो समझ ही नहीं रहे कि यार इस पे अपन बढ़ा ही नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल ये लैंड है अपनी, ठीक है, इस पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन हो रहा है मान लो, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, सारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इस पे लोग करे जा रहे हैं, तो उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, कुछ कुछ फसल खराब भी हो जाएगी, क्योंकि चलेंगे ना वो इधर उधर चलेंगे, उससे कुछ फसल खराब भी हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, बेकार काम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। फिर क्या है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, उससे क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अपन ने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए तो अपन वो क्या हो गए, कामचोर हो गए, ठीक है, वो काम करना नहीं चाहते, कुछ लोग अपने आप को सीनियर समझने लग गए कि हम काम क्यों करें, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अपन ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, फिर अपन ने इसके पढ़े अजम्पशंस, फिर अपन ने इसकी बनाई शेड्यूल, फिर अपन ने इसका बनाया ग्राफ, फिर अपन ने देखे इसके स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, फिर अपन ने क्या देखा, रीजंस, फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियोस देखने के लिए आप आईकार्ट में क्लिक कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।